दुर्योधन ने उन पांचों बच्चों की याद में रोते रोते अपने प्राणों को गमा दिया। वैसे तो भागवत पुराण में आया है कि दुर्योधन की दो तरीका से मौत हुई, सुख में और दुख में। अब आप लोग सोचते होंगे कि सुख दुख में कैसे मौत हुई। सुख इस बात का हुआ था कि पांचों पांडव मारे गए, लेकिन दुख इस बात का हुआ था कि पांडव नहीं मारे गए, पांडवों के पांचों पुत्र मारे गए। इधर तो मारा जाता है दुर्योधन, उधर द्रौपदी जब जागी है तो पांचों पुत्रों की लाश देखी है, तो शीश कटे पड़े हैं और धड़ जमीन पे है, तो द्रौपदी पर रुका नहीं गया और पांचों पुत्रों के सिर पर देखती है, सर नहीं दिखाई दिए तो धड़ पे मूड पटक पटक के आज भी अबला रही। आज वो द्रौपदी पांचों पुत्रों के ऊपर विलाप करती है। Oh।